मिठास दुगनी हो गई है। दया भाभी जो आ रही है। दया भाभी का एकदम शानदार स्वागत करेंगे हम लोग। इतने दिनों बाद दया भाभी आ रही है, उनके आने से सोसाइटी और गूंजने लगेगी। दया भाभी हमारी सोसाइटी की चिड़िया है, हमेशा उनकी आवाज यहाँ पे चहकती रहती है। वो तो है। और बबीता जी आप हमारी सोसाइटी की हंसनी है। और माधवी भाभी आप तो सोसाइटी की कोयल है। हाँ कुक 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 कुक। तुम्हें भाभी कुक 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 नहीं कू कू। अरे वो तो उनकी मीठी आवाज है। मैं कह रही थी कि वो जो बढ़िया खाना बनाती है ना, चिवड़ा बाकरवड़ी कुक 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 कुक। और अंजलि भाभी आप डेफिनेटली बुल हो। बुल मतलब बुलबुल। ओ कम ऑन कोमल भाभी। कोमल भाभी आज एकदम मजा क्या मूड में है। तो कोमल भाभी आप हमारी सोसाइटी की मोरनी है। अरे ये पंछियों का मेला छोड़िए, आप लोगों ने दया भाभी को जो गिफ्ट्स देने हैं वो डिसाइड कर लिए हैं ना? हाँ हाँ, क्योंकि मेरा गिफ्ट तो डिसाइडेड है, मैं उन्हें अपने हाथों से बनाए हुए दिए दे रही हूँ। लवली, मैं दया भाभी को ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करने वाली हूँ। और मैं ढेर सारी मिठाइयाँ। दया भाभी तो एकदम खुश हो जाएंगी नहीं? अरे आप लोगों ने दूधी का हलवा तो खाया ही नहीं। दूधी का हलवा तो चखिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अंजलि हैप्पी दिवाली। आप सबको भी हैप्पी दिवाली। तारक दूधी का हलवा चखिए ना। नहीं अंजलि अभी नहीं, बाद में। आपने वही सुना जो मैंने सुना? हाँ, मीठा खाने से मना कर रहे। आज दया भाभी आ रही है, आज तो मीठा बनता है। मेहता साहब अंजलि भाभी अपने हाथों से आपको मीठा खिला रही है और आप मना कर रहे। दया भाभी के टेंशन में दूधी का हलवा करेले के हलवे जैसा लगेगा। क्या हुआ, सिर्फ देखना नहीं है खाना भी है। मैं जेठालाल को मिलके आता हूँ फिर खाता हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। जेठा भाई कितने खुश होंगे नहीं। ऑफ कोर्स दया भाभी जो आ रही है। इस बार की दिवाली तो यादगार होगी। चलो चलो, ये साड़ी कैसी है? अच्छी है। और ये भी अच्छी है। और ये साड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है, पहन लो। तारक ये साड़ी नहीं चादर है। ओह सॉरी। क्या तारक, आज दिवाली का दिन है, इतना अच्छा माहौल है और आप है कि बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है। किस गहरी सोच में खोए हुए हो? अंजलि कब से मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है। क्या? यही कि सुंदर अपना वचन पूरा करेगा या नहीं। तारक सुंदर भाई ने कहा है ना कि वो वचन पूरा करेंगे, तो वो जरूर पूरा करेंगे। अंजलि सुंदर का वचन मुझे वचन से ज्यादा शब्दों का जाल लगता है। कभी कभी तो सुंदर की बातें मुझे जादू करके जादू जैसी लगती है। जब हम जादू देखते हैं तब हमें वो सच लगता है, लेकिन अंदर से पता होता है कि ये सच नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं तारक? एक मिनट, आपको क्या लगता है कि वो दया भाभी को लेकर नहीं आएंगे? ये बात आपने मेरे सामने कर ली, लेकिन प्लीज ऐसी बात आप जेठा भाई के सामने मत करना, उनका दिल टूट जाएगा। अंजलि मैं जेठालाल के सामने ये बात कर चुका। क्या, क्यों? आपको ऐसी बात उनके सामने करने की क्या जरूरत थी जिससे उनका दिल टूटे? अंजलि सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त को सच का आईना दिखाए। भले ही अभी जेठालाल को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन बाद में जेठालाल को दुख कम होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने जेठालाल को सकारात्मक रहने के लिए समझा दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद को नहीं समझा पा रहा हूँ। तारक आप क्यों इतना उलझ रहे हैं? क्योंकि मेरी सिक्स सेंस मुझे ये बात स्वीकारने नहीं दे रही है। अब सुंदर को ही देख लो, ना ही वो जेठालाल की दया भाभी से बात करवा रहा है और ना ही कुछ ठीक से बता रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कभी कभी ज्यादा समझदारी और सोच ना इंसान को बेचैन कर देती है।
इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने ये सिक्स सेंस और सोच को शांत कर दीजिए और नॉर्मल सेंस के साथ ये सोचकर मुझे बताइए आज रात को मैं कौन सी साड़ी पहनूं। ये यही है। दोनों में से कोई भी नहीं। क्यों? तुम आज ये वाली ड्रेस पहनो। लो, तुम इसमें बहुत सुंदर लगोगी। सर, मैं अभी ट्राई करके आपको दिखाती हूँ। बस ये सुंदर कोई गड़बड़ ना करे तो अच्छा है। आज सब कुछ ठीक हो जाए और सुंदर दया भाभी को लेकर वक्त पर आ जाए। मजा आ जाएगा। मोटी कमर। उड़ गए ना तोते पोपटलाल।